फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी नेम रिसेंटली फॉर्म्ड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड हाउ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कैन हेल्प इन आवर कंट्रीज डेवलपमेंट. फाइव थिंग्स हाउ इट कैन हेल्प. Who would like to answer? Ankit? हेलो सर, अभी तो एक ही पॉइंट दिमाग में आ रहा है, इकोनॉमी का कि पहले नाम बताइए, इंटरेस्ट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कौन कौन से हैं? सर, एक शायद आ रहा है मेरे को दिमाग में, दिल्ली मेरठ वाला। ओके. ठीक है, हाउ इट कैन हेल्प. 5 पॉइंट्स. सर फर्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स। ओके, प्राची, अभिषेक, अर्जुन, शिखा. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिखा. सर आई डू नॉट नो द नेम ऑफ रिसेंटली फॉर्म डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बट द बेनिफिट्स वुड बी, फर्स्ट इज इट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एंड सेकेंड इज देर वॉज द रिपोर्ट अर्लियर दैट पैसेंजर्स वर नॉट गेटिंग द सीट्स बिकॉज द फ्रेट्स वर टेकिंग द मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक्स टाइम। सो नाउ इफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैव बीन प्रिपेयर, सो द पैसेंजर्स विल बी एबल टू गेट द सीट्स। And third would be that it will also boost the manufacturing sector as raw materials will be able to provide the raw materials to each and every area of the country. And similarly, the global competitiveness, since the logistics costs will reduce, the global competitiveness of the goods will increase and the exports will be promoted. Right. And So the post-harvest process of agricultural sector will also be reduced. right. Very good, Shikhar. मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली जल्दी से ले लेता हूँ. ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने पास दो हैं. एक तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इट इज डेडिकेटेड ओनली टू द फ्राइट एस्पेक्ट ऑफ द रेलवेज. तो उसमें क्या रहेगा कि पहले, अभी जैसे मान लीजिए ट्रैक्स हैं, दोनों एक साथ चल रही है, पैसेंजर और फ्राइट, तो उसमें कंजेशन भी रहता है, डिलेज भी हो जाते हैं, कॉस्ट का भी इश्यू रहता है. यहाँ पे सब बन जाएगा तो आपका टाइम भी सेव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, एक्सपोर्ट्स भी प्रमोट होंगे. और फिर क्या है कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में जो जो स्टेशन बनेंगे उनके आसपास भी, जैसे हम देखते हैं ना, एंसिलियरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं, क्योंकि पास के एरिया में इंडस्ट्रीज अपने आप बनने लग जाएंगी, आपको एक्सेसिबिलिटी मिल रही है. ठीक है, तो ये सारे की सारी चीजें रहेंगी. 1 सेकेंड. तो ये है, और यहाँ पे हमारे पास दो हैं अभी. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो कि लुधियाना से आपका सोननगर है, और वेस्टर्न है जो कि JNPT टू दादरी. दादरी आपका उत्तर प्रदेश में है, ये हरियाणा वाला नहीं अपना. ठीक है, और इसमें एक में जापान आपका सपोर्ट कर रहा है जो कि हमारा वेस्टर्न वाला है, और ईस्टर्न वाले में आपका आई थिंक वर्ल्ड बैंक है. तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे दोनों के परस्पेक्टिव से. ठीक है, मेजर यही है. और बाकी सिग्निफिकेंस, अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ है कि ई कॉमर्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, उन्होंने भी मतलब इसको यूज करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. तो मतलब दे विल ऑल्सो बी एबल टू यूज, तो और ज्यादा हमारा फास्ट रहेगा, ई कॉमर्स वाला भी फास्ट रहेगा. एडवांटेज यही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर, कनेक्टिविटी एफिशिएंट, सस्टेनेबल. और फिर कल जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा दिल्ली वाला, जो हम जैसे KGP, KMP, ठीक है, तो कंजेशन आपका कम हो रहा है, तो पोल्यूशन वाले एस्पेक्ट पे भी हम बात कर सकते हैं. बट
रेलवेज में उतना वो नहीं रहेगा क्योंकि अभी हमारा मोस्टली इलेक्ट्रिफिकेशन हो भी चुका है। ओके, कैन समवन टेल कि अभी इंडिया में, इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन कितने परसेंटेज हो चुका है? एनीबडी? अराउंड 40%। 40? यस सर। ओके, एनीवन एल्स? सर आई एम नॉट श्योर बट आई कैन टेक अ गेस इट्स मोर देन 90। हाँ, काफी हो चुका है। मैं एक बार एग्जैक्ट फैक्ट देख लेता हूँ, बट इट इज मोर देन। आई थिंक आई रेड समवेयर दैट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बट आई रेड इट समवेयर। 100 तो नहीं हुआ है अभी, बट सिग्निफिकेंटली वी हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट, एक सेकेंड। अच्छा नाउ 94%। अच्छा द न्यूज वाज ऑफ फेब्रुअरी 2024 कि इन द लास्ट 5 ईयर वी हैव इलेक्ट्रिफाइड 45% ऑफ द एरिया, और अभी हमारा 94% तक इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है इंडियन रेलवेज का। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, वन मोर क्वेश्चन, आराम से इसके बारे में सोचना है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द रेलवेज, हाउ इट विल हेल्प एंड व्हाट विल बी द चैलेंजेस? वी आर प्राइवेटाइजिंग एवरीथिंग, इज इट गुड फॉर आवर कंट्री और नॉट? तो 3 एस्पेक्ट्स आर देयर यू हैव टू आंसर। जो आंसर करना चाहते हैं लेकिन रेज देयर हैंड्स। यश परीक्षित, बताइए। सर यस। आई बिलीव प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज इन लिमिटेड फॉर्म। फॉर एग्जांपल वी हैव प्राइवेटाइज द ऑपरेशन ऑफ भोपाल रेलवे स्टेशन। इन दैट सेंस इट इज अ गुड स्टेप बिकॉज इट हैज लेड टू इंक्रीज इन कंपटीशन। इट एनहांसेस द इनोवेशन इन द सर्विस डिलीवरी बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल इन द रिजिड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। And also it has led to incorporation of best practices from around the world, which may not be easily replicated in a centralized form of system. So in certain aspects it benefited, but there are concerns of transparency in the devolution of contracts and also issue of excessive profit because public transportation is a public good and enhanced profit may lead to deter some public to use this cost-effective services of railway. So it needs to be balanced and greater competition needs to be there, which is more accountable also, so that people can weigh the benefits of privatization versus the public sector operation. Sir, at the end, sir, infrastructure development has to be done by the public sector, but some of the services can be privatized, like catering and hospitality and associated things. But the core things must always remain as a public transport, sir. Okay, what other than public transport, what other core things would you like to add? If you talk about infrastructure, which should be there with government? Sir, ancillary things like the rest rooms, the hotels associated around the railway station, or the No, waiting I am areas. talking about other sectors, like other than transportation, other sectors. Sir, defense manufacturing has to be with public sector with limited. Like we can have goods from private sector also, but overall, for example, the ordnance factory should be with the government sector, and the nuclear energy, atomic energy, that is a very strategic area which has to be with the government. And sir, banking and financial services also must have a government role in it. Besides the private sector, the government must have a role there because of the goal of financial inclusion, which is not always possible in the private sector. So these are the things I can think of right now. Okay, very good, Parikshit. Anybody else wants to add any point? Yes, sir. I want to add. Yes, Abhishek. Sir, recently the government came up with this privatization ideas, where actually it is targeting to privatize the sectors in which they have simply kept some strategic sectors. For example, BFSI, coal, crude, natural gas, sir, and other two sectors that they want to run by the government only.
and the other sector, they want to privatize in order to increase the efficiency in the administration of the company. Second thing is to increase the profitability. The third thing is in order to introduce the expertise in the management of the public sectors. And sir, however, there should be a complete healthy mix between the privatization process, as there are some sectors that are actually providing the social services to the people through their public goods. It ensures their affordability of the goods that the government that the people are taking. And second thing is, sir, it ensures the regional disparity. It helps in reducing regional disparity. And so this thing, I think the government is coming with a great idea. But there should be a healthy mix between the privatization as well as the government control over some sectors. Okay, I think nobody discussed about the challenges. What are the major challenges with the privatization? Bharti? The major भारतीय आवाज आ रही है? हाँ यस सर, एक्चुअली आई हैव जून जस्ट नाउ, आई डिड नॉट लिसन टू द आंसर एक्चुअली क्वेश्चन, सॉरी आई डोंट नो द क्वेश्चन, क्वेश्चन, आई हैव जॉइन लेट नाउ. व्हाट आर द चैलेंजेस विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज? रवीना सर, अफोर्डेबिलिटी इज वन चैलेंज इन रिसेंट इंस्टेंसेस. एसी प्राइसेस हैव बीन एज इक्वल टू एज एयर फेयर्स, सो इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन. एंड रेलवेज हैविंग अ सोशल ऑब्लिगेशन, इट्स मेन आइडिया ऑफ सर्विंग द पीपल कैन बी इज अ लिटिल डायल्यूटेड. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट सर, इट ऑल्सो डायल्यूट्स दी गवर्नमेंट शेयर इन ट्रांसपोर्टेशन, विच कैन हैव इम्पैक्ट ऑन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन एज वेल सर. रेट्स कैन गो हायर, सो दैट कैन ऑल्सो बी इकोनॉमिकली डेट्रीमेंटल. दीज आर द टू पॉइंट्स आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ. ठीक है. मेजर इश्यू इज विद द अफोर्डेबिलिटी. दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस, बट दैट विल ऑल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग. तो एक तो ये रह जाएगा. क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी हो सकता है कि समटाइम्स, फॉर एग्जाम्पल, यस मेघना. सर, वन सेकेंड, आई थिंक सेफ्टी आप और भारती ना पास पास बैठे हैं, सो यू हैव टू म्यूट वन ऑफ योर माइक्स. भारती आप मतलब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर इको रहेगा. तो जो बोल रहे हैं उसी का माइक ऑन रहे, ठीक है भारती? यस. हाँ मेघना बताइए. हाँ अकाउंटेबिलिटी का इशू रहता है, क्योंकि अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो उसको जॉब लॉस का खतरा है, लेकिन प्राइवेट अगर कोई बंदा आता है तो उसमें सेफ्टी कंसर्न उतना रहता नहीं है सर. जस्ट गिव मी अ सेकंड, वन सेकंड. I would like to add to your point. Your point was excellent actually about the affordability, but the example was, I believe, of the mass, because अभी भी वो privatize नहीं हुआ है railway का operation. तो third AC वो dynamic pricing की वजह No, से, not because of actually, privatization. I have an example to quote. Recently in Rohtak, Attrackment was a private, मतलब private बंदा था एक Attrackment, तो उसने लूज जहां पे जो फिश प्लेट थी वो अच्छे से लगानी थी, उसने लूज लगा दी, जिसकी वजह से एक जो रेल थी वो डीरेलमेंट हो गई थी. एंड इट वुड नॉट हैव बीन हैपेंड इफ दैट एम्प्लॉय वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. And how is that related, Meghna? How can you say like if it would not have happened if he would have बिकॉज been a इट government? हैड, क्योंकि सर अगर सरकारी बंदा होता है तो उसे एक फियर होता है जॉब लॉस का, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म्स वगैरह जो हमें मिलते हैं उस चीज का भी. परंतु सरकारी बंदे को तो प्राइवेट जॉब लॉस बंदे का पर तो इतना कम फियर होना वो नहीं चाहिए, होता सर. प्राइवेट को ज्यादा होना चाहिए. नहीं सर, प्राइवेट बंदा तो आज यहाँ पे कल वहां पे, उसकी सिक्योरिटी वैसे भी नहीं है जॉब की. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. कि प्राइवेट में तो क्या है कि ऑलरेडी आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो यू विल बी स्विचिंग ऑन द जॉब्स, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट गवर्नमेंट जॉब इज अ सिक्योर जॉब, तो हर आदमी डरेगा थोड़ा सा, तो उसमें वो अपने काम को लेके ज्यादा हो सकता है. बट आई थिंक दैट इज मोर
आप इस आर्गुमेंट को इस तरीके से कर सकते हैं कि इट मे बी मोर रिलेटेड टू द पर्सन हिमसेल्फ, कि वो अपने काम को लेके कितने सिंसियर है, रेदर देन रिलेटिंग इट टू द गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. डू नॉट ट्राई टू जनरलाइज थिंग्स. अकाउंटेबिलिटी के बारे में जरूर बात करी जा सकती है. I am also a railway employee, so ओके I can relate actually कि मतलब ऐसा होता है कि जो सेफ्टी वाले एरियाज हैं उनको प्राइवेटाइज ना किया जाए तो मे भी ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल. मतलब यू कैन हैव दिस आर्गुमेंट, बट अगेन मतलब सर आई आई वांट टू वुड ऐड से समथिंग। यस भारती. सर प्राइवेटाइजेशन मीन्स दे वुड फोकस ऑन प्रॉफिट मेनली, करेक्ट। एंड सेकंड थिंग सर, जैसे स्पेशल प्रोविजंस नहीं होते एल्डरली और हैंडीकैप के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे प्राइवेट में। और थर्ड थिंग इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब उनकी जो पॉलिसीज हैं प्राइवेट वो ज्यादा डिस्क्लोज ना करें, दैट वुड बी अ कंसर्न। ट्रांसपेरेंसी आई एग्री, बट फिर से मतलब जो पॉइंट है, एनीबडी वांट्स टू काउंटर दिस आर्गुमेंट द सर वन एल्डरली. थिंग वन सर आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट सिनेरियो, बिकॉज इफ यू गो टू द प्राइवेट एयरपोर्ट्स दैट आर एक्चुअली रन बाय द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, दे आर राइट एक्चुअली फिजिकली हैंडीकैप्ड फ्रेंडली एंड एज वेल एज दे प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द एल्डरली ऑल्सो. सो आई थिंक दिस इज नॉट द इशू, बट वन वन इशू दैट आई कैन बी एबल टू रिकॉग्नाइज हियर इज देर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड द रेजिस्टेंस विद फ्रॉम द लोकल पीपल, एज वी हैव सीन इन द वाइजैग स्टील इश्यूज, देयर वर रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट काउंटर पार्ट एज वेल एज द लोकल पीपल देयर. सो आई थिंक दिस डिलेज द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया. आई थिंक अभिषेक हैज मेड अ वेरी वैलिड आर्गूमेंट. तो ऐसा नहीं होता, मतलब अगेन ऐसे एकदम से चीजों को इस तरीके से तो जनरलाइज मत करो कि ऐसा होगा वैसा होगा. और जहां पे आपके पास एक अच्छे एग्जाम्पल भी हैं सेम, तो उसको वैसे नहीं रखना है, ठीक है. काउंटर आर्गूमेंट्स भी आएंगे, तो व्हाट अबाउट दैट. और इवन गवर्नमेंट के जो आप हॉस्पिटल्स देख लो, ठीक है, या फिर मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पे एक्सेसिबिलिटी डिसेबल्स को कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट में, वो थोड़ा सा ज्यादा सोचे. हाँ अंकित. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो दिल्ली मेट्रो है वो प्राइवेटाइज है कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है या फिर मिक्स है? क्या है बताएगा कोई? दिल्ली पब्लिक मेट्रो सेक्टर ही है सर, पब्लिक पब्लिक सेक्टर सेक्टर। डीएमआरसी, ठीक, ठीक है. उनकी सर कुछ जॉब्स प्राइवेटाइज हैं, उन्होंने आउटसोर्स की हुई हैं, जैसे टिकट हाँ वेंडिंग आउटसोर्स करी हुई है उन्होंने, क्लीनिंग सर्विसेज आउटसोर्स करी हुई है, बट द ऑर्गेनाइजेशन इज हाँ पब्लिक सेक्टर। हाँ ओनरशिप सर, तो वो काफी काफी हद तक काफी ज्यादा एफिशिएंट है ना वो, मतलब हाँ वो एज तो कंपेयर रहेगा, टू दोनों रेलवे के या साथ ही है. ट्रांस, मतलब तो देर आर ऐसा। गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो जहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और अलग और अलग इसमें तरीके मिडिल से. पाथ भी ले सकते हैं ना, जैसे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके रिजिड हायरार्की हो सकती है, बट दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल उन्होंने सही दिया, वो एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया हुआ है, उसका किसी डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन एन ऑर्गेनाइज इन एन सेल्फ इट्स एन लीन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन हायरार्की, तो हाँ मिनिस्ट्रीज से अकाउंटेबिलिटी उसको का तो इशू लिमिट रहेगा कर कि किसके पास रहेंगे, क्या रहेंगे, क्या एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है. तो मेजर दो तीन ही इशू दें। हमारे आ रहे फॉरवर्ड में हैं. सर ये बता दें अगर कि पब्लिक सेक्टर से डायरेक्टली प्राइवेटाइज करने की जगह हम किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम एक एसपीवी बना सकते हैं जो जॉइंट वेंचर हो, तो वो शायद ज्यादा बैलेंस रहेगा आंसर। अभी भी यही कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं करी. एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन में 109 जो बिजी रूट्स हैं, ठीक है, उसमें 151 प्राइवेट ट्रेन्स के बारे में बात करी गई और उनको लीज दी गई है फॉर 35 ईयर्स कि आप रन कर सकते हैं, ठीक है. और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी पूरे इंडियन रेलवेज का सिर्फ 5% तो जितनी भी रेल हैं 151 5% 35 साल के लिए इन्होंने दिया है, ठीक है. अब मिलके ही काम करना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सर्विसेज को और इम्प्रूव आपका किया जा सकता है, ठीक है. अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके थ्रू काम कर सकते हैं, तो ये रहेगा. क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी हो सकता है. अब देखो फायदा क्या है कि मान लीजिए जहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, ओवर क्राउडिंग है, वहां पे दे कैन परफॉर्म बेटर और प्राइवेट सेक्टर विल कम अप विद गुड सॉल्यूशंस आल्सो, साथ में मिलके काम करेंगे क्योंकि उन्हें अगेन प्रॉफिट को देखना है. तो कॉस्ट को इंक्रीज करने के साथ साथ वो एफिशिएंसी पे भी काम करेंगे, कैसे इसको कम किया जा सकता है. वही प्राइवेट सेक्टर का सबसे जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ रहता है वो भी यही रहता है.
स्पीड ऑफ ट्रेन की हम बात कर सकते हैं विद कमिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, आपके पास कैपिटल भी धीरे धीरे आ सकती है, टेक्नोलॉजी नई आ सकती है, जो हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी नहीं ला सकती क्योंकि वहां पे एक प्रोसीजरल सारी चीजें चलती हैं। बट मान लो इन 105 सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आया, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आए और वो काफी एफिशिएंट है, तो उसको भी फिर रेप्लीकेट करना हमारे लिए इजी है इन द पब्लिक सेक्टर, जो बाकी ट्रेन अभी हमारे पास ही है ना। तो इस तरीके से भी अच्छी प्रैक्टिस आ सकती हैं। ठीक है, ट्रायल तो चल ही रहा है। इश्यूज मेनली सोशल वेलफेयर का ही इशू है कि कॉस्ट हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे देखा भी गया है कि अभी काफी एयर फेयर के कंपैरेटिवली भी हमारा आ रहा है। ठीक, और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, मेजर यही रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ इस टॉपिक में कि प्राइवेटाइजेशन, ओके लिसन, इफ आई हैव टू आस्क यू, एक एक बार एक दो चैट में देख लेता हूँ कि ठीक। सर यस यस रविंद्र, एक पॉइंट ये भी हो सकता है ना, जैसे जो मोस्ट प्रेफर्ड रूट्स हैं बाय द पैसेंजर्स, प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग के लिए सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेगा, एंड द फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे पैसेंजर्स इतना नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे शायद वो ना लेके जाए अपनी ट्रेन से वैसे। हाँ दैट इज ऑल्सो वैलिड, इसीलिए सारी चीजों को एक साथ तो प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक अ मिडिल पाथ। और वही किया भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5% में ही अभी वो कर रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चीजें परफॉर्म होती हैं। अब जैसे मान लो प्राइवेट का आने का फायदा बस इतना ही है, जैसे मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, जो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, डू यू थिंक हरियाणा गवर्नमेंट हैज नेग्लेक्टेड हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर एंड टेकिंग देयर हैंड आउट ऑफ बोथ द सेक्टर्स एंड प्राइवेटाइजिंग इट एट अ रैपिड पेस? And how is it going to impact the service delivery in both the areas for residents of Haryana? सर मुझे ही आंसर करना है ये। हाँ, कोई भी कर सकता है। कौन स्टार्ट करना चाहेगा? कोई नहीं, सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, आर्टिकुलेट कर लो थोड़ा सा फिर। यस अंकित, सर इसके भी सिमिलर लाइंस पे ही होगा जवाब की, मतलब जैसे एजुकेशन का एग्जांपल लें तो उसमें ये तो अच्छा होगा कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होती है वैसे, और जॉब इनसिक्योरिटी भी थोड़ी रहती है, ऐसा एक्सेसिव जॉब सिक्योरिटी ऐसा नहीं होता कि, और फिर जैसे जैसे जब उनका काम शुरू होता है तो उसके बाद कभी दोबारा ट्रेनिंग नहीं होती, ये सब इश्यूज रहते हैं, तो ये टीचर्स की क्वालिटी होगी, टीचर स्टूडेंट रेशियो भी एक हेल्दी मेंटेन करते हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा स्कूल्स में आपस में, और इस तरह से फिर नेगेटिव्स वो है कि उस वजह से फीस ऊपर जाएगी, वो फैसिलिटीज मतलब जो नेसेसरी नहीं है वो सब प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से फीस भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हाँ ये फिर सर अफोर्डेबिलिटी वाला ही कॉस्ट आएगा, अफोर्डेबिलिटी वाला ही पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली आंसर कौन करना चाहेगा? आई वांट अ प्रॉपर आंसर। यस प्रीति, सर एक्चुअली इन हरियाणा वी आर फोकसिंग ऑन प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, so I am not in agreement that Haryana government is mindlessly doing privatization. Yes, to improve the quality of education and health sector, we are going towards private because public sector don't have that much fund to accumulate all the population of Haryana. So in health sector, we are partnering with private sector, like we are opening new AIIMS, new Ayurvedic centers in Panchkula only, and AIIMS is planned in Rewari. And in education sector also,
in private schools, though we are promoting private schools, but we are giving reservation for economically weaker section there. And we are focusing more on teacher quality, teacher training programs government is initiating in private schools also. And there is also a collaboration between private teacher and government teacher so that we can improve the quality of the teachers in government school also. And government teachers are motivated to, you know, attract the students from village area who cannot afford to go to the private schools. So I think there is a sink between private and public, not the mindless privatization. Okay, very good, Preeti. Yes, Parikshit. Sir, I believe that government is doing a privatization with a degree in mind and not complete privatization. We have had privatization is being brought in to improve the quality of services in certain select area and in certain core areas of health and education. But overall, the public sector responsibility is still there. We have many schemes in the public sector. For example, in health sector, so we have at central level, we have Ayushman Bharat scheme. We are creating physical health and wellness center. 1.5 lakhs of them have been created. At the state level, sir, Haryana government has a Mukhya Mantri Ilaj Yojana, where we are giving private tests. We are giving diagnostic tests for free. And multiple services are given in the public sector as well. We have the government machinery in place for the public sector hospitals. And similarly, sir, in the education sector, the funding for public sector schools has been increased in this budget. Besides that, sir, we have multiple schemes like PM Shri schemes, which are being implemented by the state government and contributing. Right. So, public sector has not relegated its responsibility to the private sector, although it has increased to enhance efficiency of the services in certain areas, sir. But don't you think that this privatization somewhere led to lack of, we can say, even government schools, nobody wants to go there. And even teachers are not interested in teaching students because they think, let them go to the private school. Because even government is sponsoring their education. So, wahan pe bhi koi interested nahi hai. If we would have focused more on improving our public schools infrastructure, making teachers more accountable, because we are paying a lot of amount, the revenue expenditure goes in salaries of teachers, but they are not teaching at all. And our schools are closing, but at the same time, private schools are opening. Aur uske wajah se bhai ki affordability wala bhi issue aa raha hai. And even in private school, teachers are not paid well. So how would you counter this? Sir, I believe India is a democracy and people need to have their choices whether they want to send their children to the public sector or private sector. And it is also true, sir, that 45% of students go to the public sector school while 55% goes to private school in Haryana. But sir, it is not right to say that people the accountability by the government is not being ensured of the teacher. We have had multiple systems like biometric accounting. And certainly, sir, there is scope of improvement. We can have greater teacher training at public schools to enhance their pedagogy and skills to enhance the quality of education. And we have had multiple revised curriculum so that the quality of teaching in the government schools of Haryana is also increased. And we incorporate more technology there so that public learning outcome, for example, in literacy, in numeracy skills, reading comprehension skills of students increase. So these are the steps that need to be taken side by side with the privatization, and not it is not a black and white situation, sir. Right, very good, Parikshit. Preeti, you want to add something? Yes, sir, I agree. Like in recent ASSER report also, it was mentioned that the numeracy and literacy quotient of students in government school is lacking. So there we need to focus more on the public school infrastructure and teacher training that we are already doing with Haryana eligibility test, which we conduct for teachers so that only qualified and well experienced teacher come to the teaching profession. And we know that teachers are the maker of future. So I think there we need to invest more. So sir, we
we can do that. We focus more on the teacher quality and the infrastructure. And like Parikshit has mentioned, biometric is there. We just need to focus on the implementation part now. We have all the things in place, but the right. implementation is somewhere lacking. Yeah, that, will we can say even with the leaders of the let's say school leader principal, if we say they do not yes, have sir. The will, teachers do not have the will, and even government government wants to compensate because they cannot have complete accountability there with the public school. So somewhere they are trying to provide the services through private sector. कि हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी at least लोगों को तो सर्विस मिल जाए. तो इट्स बोथ वे कि हम एक बैलेंस आंसर ले सकते हैं एंड सबने काफी अच्छा आंसर किया है. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें लगभग मोटी मोटी चीजें सब लोग कर लेंगे, कुछ नहीं है. ओके सर, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट इन दिस. यस विकास. एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ओवरबर्डन विद एक्स्ट्रा वर्क लाइक स्कूल टीचर्स आर गिवन ड्यूटी फॉर वोट मेकिंग बूथ लेवल ऑफिसर इन इलेक्शंस आल्सो. यस दिस सो इज फ्रॉम दैट पॉइंट आल्सो. Yes, this is also one of in health services, they are given some administrative work also. Yes, sir. So that also lead like to they are deputy. Yes. Yes, the interest goes on. They loses the interest. Teachers ka bhi man nahi kar raha, doctors ka bhi man nahi kar raha, and private sector mein you have that flexibility. Yes, Ravina. Sir, doubt answer. I'm not aware to what extent health or education में privatization किया जा रहा है सर हरियाणा में. Can you brief sir the whole discussion? In terms of facts, sir, मतलब privatization अभी ये recent phenomena है या I'm not at all aware it's about. It's happening. Sir. It is not a recent phenomena. We can see like it is evident from the facts like. The student enrollment ratio in the private sector is increasing as compared to the government sector. Recently, there was a scheme, I forgot the name, something related to Deep or Ujula, something like that. तो उसमें वो पैसे भी दे रहे हैं. अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में तो इवन गवर्नमेंट इज पेइंग फीस फॉर देम. और एक हमारा जैसे हेल्थ सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, जैसे पीपीपी मॉडल्स में भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी मान लो वो लेके आ रहे हैं, या फिर हम आयुष्मान भारत की भी बात कर सकते हैं. इवन दो इट हैज इंक्रीज द पेनिट्रेशन, द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बट एक काउंटर आर्गुमेंट ये भी आता है कि यहाँ पे जो पैसा लगा है उसी पैसे को हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा सकते थे. बट द पॉइंट इज बोथ थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हैज अ टारगेट कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए एंड देट वर्किंग फॉर दैट एज वेल. एम्स नए नए आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं, तो उसमें भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है. बट एट द सेम टाइम कि मान लीजिए द टाइम इट विल टेक टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैटर द नीड ऑफ एवरीवन, तो इन द मेन टाइम व्हाट शुड वी डू. सो वी हैव अ गुड स्कीम आयुष्मान, तो जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल. तो कोई भी गरीब आदमी है अब बाईपास सर्जरी भी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पीपल आर अवेलिंग good amount of services there. Aur unka out of pocket expenditure you can see in the data as well ki before 4 or 5 years it was around 68-70% if we say, now it has reduced down to 45%. So ye bhi aap bata sakte hain. Doctor patient ratio aap dekho, India mein doctor patient ratio aaj se 10 saal pehle it was around approximately 1700 pe ek doctor hota tha, if we talk about allopathic doctors not the Ayush. Abhi we have achieved जैसे WHO का डाटा है 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट वी हैव क्रॉस दैट, वी आर समवेयर नियर 850 पे एक डॉक्टर हमारे पास अभी आ गया है. सेम विद द नर्सेज वी आर इंप्रूविंग. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काम चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स वाइज भी काम चल रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट वॉन्ट्स की प्राइवेट सेक्टर भी साथ में रहे ताकि जो गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके, ठीक है. और ऐसा ही करना पड़ेगा तभी हम एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं. मेघना मेघना आपने हाथ रेज किया हुआ है, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, क्या इसमें हम सर दिल्ली का जो इनिशिएटिव है एजुकेशन को लेके उसको भी ऐड कर सकते हैं? यस यू कैन ऐड, यू कैन गिव द एग्जांपल. बिल्कुल बिल्कुल ओके ठीक है.
एंड इवन देखिए तमिलनाडु है, केरला है, दे हैव देयर ओन स्कीम्स इवन बेटर देन आयुष्मान. दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ड्रग्स इन, आई वॉज इन चेन्नई, I have seen hospitals of Tamil Nadu, Kerala. They are giving free drugs, free test, and that too of very high quality. ठीक है, आपको कैंसर ट्रीटमेंट की ड्रग्स भी फ्री मिलती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. तो हरियाणा में तो इमेजिन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये थोड़ा सा इश्यू चलता है. तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मतलब दोनों चीजों पे साथ रहे तो ठीक है, बट गवर्नमेंट दोनों तरीके से कि इसका फायदा भी है और इसका चैलेंज भी है. ठीक है, तो ये इन्हीं सारे को हम देख, राजस्थान में जैसे अभी दिस इज ऑल्सो राइट, राजेंद्र कह रहे हैं राइट टू हेल्थ की जैसे बात करी गई है, तो दे कैन टॉक अबाउट दिस एज वेल कि ओके मेकिंग राइट टू हेल्थ कितना सही है कितना गलत. हाँ इसमें सर हम ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन मतलब हो रहा है इन चीजों का, फ्रीबीज और ये सब, किस चीज का पॉलिटिक्स? जैसे सर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे तो हो ही है फ्रीबीज का, फ्रीबीज का. अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो जैसे हेल्थ सेक्टर में भी ये चीजें मतलब कंपटीशन की वजह से ज्यादा हो रही हैं पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो What में। is your view on that? Providing health or education or free transportation, is it a freebie or is it like empowering your citizens? सर हेल्थ में तो ठीक लगता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में तो नहीं लगता सर। Why not? सर Yes, Meghna. सर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग, अगर तो उसमें ये है कि कुछ लेवल पर कंसेशन अगर हो तो मे बी ज्यादा बेनिफिशियल होता है गवर्नमेंट एक्सचेकर के लिए भी और पब्लिक के, तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो जाती गवर्नमेंट पे। Okay. Anybody else wants to say anything? Preeti? Sir, I think the freebie, the subsidy which we are giving in health, transportation or education, we cannot consider these as freebies because these are social security nets. Like in transportation, if we are giving free bus services to women, it is enhancing the accessibility for women. Safe transportation mode is very necessary, especially when it comes to women and when we see that some cities are very crime ridden like in Delhi. So if we give them safe transportation, it is good. But yes, I agree, if the subsidy is given just for the political motive, it is not good for financial health of the country and also for the population. Yes, it is more about like the main issue is of corruption also. If you are able to, let us see, if you are putting up taxes, what are you doing with that? You have to build infrastructure, capital expenditure, you have to build hospital, you have to build schools, you have to give transportation, free electricity. What will happen? The money which will be saved, आप उसको एक्सपेंडिचर में करेंगे और वो फिर आपका और इकोनॉमी में भी हेल्प कर सकता है. ठीक है, एम्पावरिंग. इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, दे गिव भत्ता जिसके हम बात करते हैं सिंपली, अगर इफ यू आर अनएम्प्लॉयड दे विल बी सपोर्टिंग यू फॉर द टाइम विच यू आर गेटिंग, लाइक द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट विच यू विल बी गेटिंग टिल द टाइम दे विल सपोर्ट यू. तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हरियाणा में बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एक टाइम के लिए आपको हो सकता है कि भाई एक साल, अभी जैसे सरकार भी बात कर रही थी कि एक साल, कांग्रेस वाज ऑल्सो प्रोमिसिंग कि एक साल तक हम इंटर्नशिप देंगे. ठीक है, तो हर चीज में मतलब दोनों ही चीजें रहेंगी, बट आपका क्या व्यू पॉइंट है एंड व्हाट आर द रीजंस व्हिच यू गिव इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, इट इज नॉट अबाउट अगेन कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इट इज अबाउट व्हाट इज योर स्टैंड एंड व्हाई आर यू टेकिंग दैट स्टैंड. ठीक है, मेघना आपका भी पॉइंट ठीक है, प्रीति ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दोनों चीजें ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विल टेक इट फास्ट. इनलैंड वाटरवेज, गवर्नमेंट इज फोकसिंग अलॉट ऑन दैम, कैन यू नेम 5 इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड टेल अस समथिंग अबाउट इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इनलैंड वाटरवे. It has been a mains question also, 2019 HCS. So you have to answer from the interview perspective. Allahabad Haldia. Ritu, you want to answer?
ओके, कौन आंसर करना चाहता है? परीक्षित, व्हाट अबाउट अदर पीपल? अतुल, यस सर, आई वांट टू आंसर। बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि कम से कम अब ज्वाइन कर रहे हो तो पार्टिसिपेट तो करो। व्हाट इज द पॉइंट? देखो, सिर्फ पॉइंट, एक दूसरे के पॉइंट सुनने से तो काम नहीं चलेगा, ये तो सारे आपके पास लिखे ही हुए हैं। वी वॉन्ट टू प्रैक्टिस कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। चलो, यस अभिषेक, यू स्टार्ट। यस सर। सर, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पेरिनियल रिवर्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स एज इंडिया इज ब्लेस्ड विद द वेरियस पेरिनियल रिवर्स दैट इज फ्लोइंग। सर, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट फ्रेट विलेज इन वाराणसी एंड देर आर राइट वेरियस इनलैंड वाटरवेज। फॉर एग्जाम्पल, द इनलैंड वाटरवे नंबर वन दैट इज दैट रन्स फ्रॉम हरिद्वार टू हल्दिया। द सेकेंड इज बिल्ड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। सर, थर्ड इज इज प्रेजेंट इन द केरला स्टेट एंड देन कृष्णा गोदावरी इज ऑल्सो इनलैंड वाटरवे। सर, देर आर वेरियस बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द इनलैंड वाटरवे एज इट रिड्यूसेज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज इट विल अनबर्डन द प्रेशर ऑन द रोड्स रोडवेज। सर, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एमिशन दैट एज ट्रांसपोर्टेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर आफ्टर इंडस्ट्रीज इन आर कंट्री। सर, हाउ एवर सर, देर आर सम इशूज एसोसिएटेड विद द इनलैंड वाटरवे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हाई इनपुट कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड। सर, सेकेंड सर रिवर रिजाइम दैट एक्चुअली चेंजेस विद द चेंज इन द सीजन इन आर कंट्री विच एक्चुअली अफेक्ट द फ्लो ऑफ द वाटर। एंड सर, थर्ड इज द सर द टेरेन ऑफ आवर कंट्री इज अ कम्प्लीट मिक्स ऑफ प्लेन्स प्लेट्यू एज वेल एज माउंटेन्स। सो सो देर इज अ इशू ऑफ वाटर देर इज एन इशू ऑफ सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस थिंग बट वट आई बिलीव दिस इज द ग्रेट स्टेप दैट वी कैन हार्नेस दिस दिस कैपेसिटी। And so the government has enacted Inland Waterway Act 1986, under which the Inland Waterway Authority is created in order to regulate the transportation process. How I many think, sir, this inland is a great waterways step. we have currently, approximately? How many inland waterways are there? So approximately 111 inland waterways are Right. There in a country. Anybody wants to add anything to the advantages or the challenges? Yes, Parikshit. Sir, among the challenges I would like to add, one was the river biodiversity impact of inland waterways, because we have various species like Gangetic river dolphins, which may be getting endangered. We are already critically endangered and they may get lost by the noise pollution of that. Then, sir, there are issues of berthing infrastructure. We don't have adequate berthing infrastructure where people can embark, disembark. And the last mile connectivity from these inland waterways not there, because after once you disembark from a port, you don't have railway, roadway network to connect it to the hinterland further. Then, sir, there is issue of security and safety of the inland waterways and the river transportation system, because we see boat capsizing issues recurring. And since, sir, the technology is not available with us, because we have not made yet quite big in this. We don't have fast-moving steamers in our country, which are available in Europe. So we need to develop indigenous manufacturing of these ships, steamers, boats, which are fast and more secure for people, so that it is used more by people. So these are the two challenges. Very good, Parikshit. Achhe points add kare hain aapne. Yes, Meghna. Sir, advantages mein hum iske saath mein एक टूरिज्म जो है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी नेचुरल हेरिटेज साइट्स के द्वारा। जैसे रिसेंट जो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप हमने वो चलाई थी, ये गंगा विलास है शायद उसका नाम, आई एम नॉट श्योर। साथ में सर ये लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, मल्टी मॉडल डेवलपमेंट में भी काम आएगा, क्योंकि हम रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट तो चला ही रहे हैं। और इसके साथ सर ये चैलेंजेस में हम सिल्टिंग जो है रिवर्स की उसको भी ऐड कर सकते हैं, और जो स्मॉल स्मॉल चेक डैम्स हम बना रहे हैं वो भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल का ही काम करेंगे। और जो वाटर लेवल है वो भी सर अनसर्टेन होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से,
क्लाइमेट चेंज, मॉनसून, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो वेरी गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं, बोथ हैव एडेड रियली गुड पॉइंट्स. एनीवन एल्स, एनी अदर पॉइंट व्हिच यू थिंक? सर मैं आई, यस विकास सर, इश्यूज के अंदर एक पॉइंट है कि सर इफेक्ट ऑन द मरीन लाइफ, दे विल बी डिस्टर्ब्ड, बायोडाइवर्सिटी एंड यस सर राइट, वेरी एंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो अनदर एंगल, रिवर पॉल्यूशन. पॉल्यूशन में वी हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट कि कंपैरेटिव, यस रिवर पॉल्यूशन इज एन इशू, बट इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल पॉल्यूशन फ्रॉम द इनलैंड वाटरवे, द कॉस्ट पर यूनिट एंड द पॉल्यूशन पर किलोमीटर इज लेसर देन रोडवेज एंड रेलवेज, तो वो एक थोड़ा सा काउंटर आर्गूमेंट भी हो जाता है. ठीक है, कॉस्ट भी कम है, पॉल्यूशन भी कंपेरेटिवली कम है इनलैंड वाटरवे में कंपेयर टू रोड एंड रेलवेज. ओके, एनी डाउट्स, एनीथिंग? यस सर, लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर लोकल पीपल, कैन वी ऐड दिस वाटरवेज? सर वाटरवेज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो लोकल फिशिंग एक्टिविटीज होती हैं दैट वुड बी हैम्पर्ड. बट दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द अदर वे, सम वे वी कैन ऐड इट, कि हो सकता है जैसे बायोडाइवर्सिटी का हमने बात किया तो डेफिनेटली कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बट मोर ऑन द साइड जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल हैपन, तो लोग भी तो काम करेंगे और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो गवर्नमेंट, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्टेप्स, वी शुड फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव पार्ट, राइट? इन इंटरव्यू स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इफ यू हैव अ क्रिटिसिज्म, यस यू कैन, इट इज नॉट लाइक यू कैन नॉट क्रिटिसाइज. ओके, थैंक यू सर. ऐसा वो नहीं चाहते कि आप मतलब बिल्कुल ही गवर्नमेंट की ही सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं, दे वांट अ क्रिटिकल थिंकर, सही में उनको क्रिटिकल थिंकर ही चाहिए होते हैं जो सोच सके, कर सके, एंड दैट इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बेटर, वर्क बेटर. अगर आप सिर्फ ऐसे ही करते रहोगे तो वो तो कोई भी काम कर सकता है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ यू टेकिंग इनटू द सर्विसेज. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज नॉट गवर्नमेंट, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज लाइक आई एम सेइंग टू एस्पेक्ट्स, दैट द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा लेजिस्लेचर्स में से आता है वो हमारा गवर्नमेंट का हमेशा मानता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी होता है. यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बदलती रहेंगी. ठीक है, चीजें चेंज होती रहेंगी, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपको हमेशा उसको फेवर करना आपका काम नहीं है, आपको सोचना है क्या ये स्टेप सही है, क्या ये स्टेप गलत हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या इसमें और किया जा सकता है. ठीक है, इस एस्पेक्ट में समझ लें. यस परीक्षित स्माइलिंग, व्हाट हैपेंड परीक्षित? सर आपने बोला ना सरकारें बदल गई हैं और आज 4 तारीख इलेक्शन है, सर आज इलेक्शन काउंटिंग शुरू हो गई है क्या? ओके, तो आज इसी पे ही एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. मतलब नंबर वन, इफ बीजेपी कम्स इनटू पावर अगेन, दैट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर द 5 मेजर एडवांटेज यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू हैव इन द नेक्स्ट 5 years, एंड व्हाट आर द 5 चैलेंजेस यू थिंक इफ द सेम पार्टी कम्स इनटू द पावर अगेन, बीजेपी? You don't have to think from the perspective of BJP or Congress. You have to think from the perspective of what are the current happenings in India. Single party, multi-party, weak opposition, strong government with good majority. What are the fayde and what are the nuksan? Kya honge? Who wants to start? So may I? Yes, Meghna. सर, अगर बीजेपी ही पावर में आती है तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, नंबर जिससे कि एक वर्ल्ड सिनेरियो में भी एफडीआई के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे सर. वेरी गुड. दूसरा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन भी आसान हो जाएगा और एक यूनिफाइड अप्रोच ज्यादा रहेगी सर. अगर चैलेंजेस की बात करें सर, तो एक डाइवर्स जो अप्रोच आनी चाहिए शायद वो नहीं आ पाएगी, और एक मे बी अ बिट मोनोपोलिस्टिक भी देखा जा सकता है, कि जैसे अच्छे से जब बिल्स पास होते हैं तो उन पे दूसरों का ओपिनियन अभी कम लिया जा रहा है बहुत सी रिपोर्ट्स के अनुसार भी, तो मे भी ये चीज और ज्यादा मतलब एग्रीवेट
हो जाए सर और ज्यादा। ओके वेरी गुड मेघना। यस अभिषेक। Yes, sir. Recently, our Honorable Prime Minister has put a document about the Viksit Bharat 2047, where he is actually targeting to include the woman empowerment in the governance process, which is evident from the 106th Constitutional Amendment Act that provides one-third reservation to women in the legislature itself. And so second thing is it will improve India's foreign diplomacy, as we have seen in the previous past that India has done well in its global diplomatic level. For example, we recently organized our G20. Right. And so third thing is it will ensure the inclusive development, as government is focusing on poor, farmer, women, as well as youth. So government is actually boosting the startup ecosystem, where India is currently having the third largest unicorn in the world. The fifth thing, what I believe, the government is doing very well in terms of attracting the FDI as well as FPI in our country. However, right. Sir, there are some challenges associated with it. For example, a thumping majority in a democratic sector is actually not good, as it weakens the role of opposition, as ultimately it is the opposition that is going to maintain the accountability on the government. And second thing is, sir, what I believe there should be a trend of change in the government structure in a democratic setup, so that the majoritarianism will not prevail in the country. Okay, if I ask you this way, let's assume India Alliance comes to power today. What are the five advantages? I think India Alliance. And what are the five disadvantages we will face? So what I believe, if India bloc will come today in the majority, they have put their advantages in their manifesto that they will provide the employment to the people. Second is they will provide pensions as well as financial help to the women also. Sir. And third thing is, sir, they are talking about the helping farmers currently. So what I believe, if any government will come in the power, they will actually work for the governance of the country. And ultimately, it is a country that they are going to serve, and it is not the political party specific. Okay, leave five challenges. What can be the one major challenge which India might face if India Alliance comes to power today? The India bloc is a culmination of various political parties. They are having their own ideologies. So what I believe, there may be instability in the government in the future for just of power sake. So what I believe, this is the major challenges that India bloc is actually facing, will face if they come to power. Okay. Anybody else? I think it is unstable. Yes, Parikshit. Sir, India Alliance is a cobbled pool of multiple parties, and there is no coherence. There is limited coherence in their ideologies. So one agreement, there might be a situation of policy paralysis because there might be limited consensus on the reform agenda, which was the case earlier. We have had significant reforms like GST and 370 abrogation. These are the challenges that India needs in certain areas like labor law reforms, land reforms. These are the pressing needs of India today. And if a coalition government comes to the power with refused consensus, then these agenda may be pushed further for few years, which is not in the benefit of continuation. Okay. What will be the major impact of policy paralysis or policy uncertainty, which we have seen earlier as well? Sir, it will lead to the reduced investor confidence, because investor will not be certain about whether the continuity will be maintained or not. And then, sir, it will lead to issues of setbacks to the reform agenda. For example, there are talks that GST might be changed to a greater extent, so it will lead to disturbances in the stock market and on the management of the companies as well. Besides, sir, it will impact the implementation of the certain policies that are being already in place. For example, we have recently had the foreign trade policy, we recently had the free trade agreement with other nations, so these right. may be taken aback. Foreign agreements though cannot be taken about, but yes, foreign trade policy, they might make some changes, that is possible.
क्योंकि एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने बीजेपी ने भी तो कर दिए थे सर, वो कैंसिल पिछले एफटीए बीजेपी ने भी कैंसिल कर दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इंडिया की पोजीशन उनके स्ट्रांग नहीं थी, तो कर तो सकती है सर, ओके उन्हें कौन से, कर कैन दिए यू गिव सम एग्जांपल सर। आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ इट हैपेंड इन 2016, सो उन्होंने कहा उनको नीड अभी इसीलिए पड़ी थी कि दे नीडेड टू साइन न्यू एग्रीमेंट बिकॉज़ उनको लग रहा था कि इंडिया के इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंट्री सर, बट दे सर्टेनली डिड सम। ओके ओके ठीक है, इसके बारे में देखना फिर व्हाट इज द एग्जांपल, इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल मूव फाइनेंस कमीशन। सर यस वन मैग्नम। मोर पॉइंट सर, वी कैन आल्सो विटनेस फाइट ओवर पोर्टफोलियोज इफ कोएलिशन गवर्नमेंट कम इन सीन सर। व्हाट वी कैन विटनेस, लाइक सर जैसे कि हरियाणा में भी हमने देखा था कि डिप्टी सीएम की पोस्ट क्रिएट की गई, राइट, तो समथिंग लाइक दैट वी कैन विटनेस इन द सेंटर एज वेल इफ कोएलिशन गवर्नमेंट केम इन द गेम सर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यस सर या देयर माइट बी। वही है एग्जीक्यूशन, वही सेम कोएलिशन है, नंबर ऑफ पार्टीज हैं, आइडियोलॉजी है, दे विल बी फाइटिंग फॉर द पोस्ट एंड पावर, तो थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी तो रहेगी ना। ओके फाइनेंस कमीशन, इफ यू टॉक अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन, व्हाट आर द, आपको क्राइटेरिया बताने हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ डिवाइडिंग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो हम करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन में, क्या पांच वो मेजर क्राइटेरिया थे वो आप बताएंगे, और उनका परसेंटेज इफ यू कैन। Yes, sir. I want to answer. अभिषेक इज वेरी गुड, सर वेट इनकम डिस्टेंस गौरव, पॉपुलेशन, वेट 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 गौरव गौरव गौरव, लेट गौरव पार्टिसिपेट। सर आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल ऑल द पॉइंट्स हियर, बट एज फार एज आई रिमेम्बर फर्स्ट वॉज द इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया दैट, एंड सेकेंड इज आई हैव टू, आई एम एक्चुअली लुकिंग ऑन द स्क्रीन, सो इफ यू डोंट माइंड आई कैन टेल फ्रॉम देयर। फर्स्ट इज ठीक इनकम डिस्टेंस, सेकेंड इज पॉपुलेशन क्राइटेरिया, पॉपुलेशन इट इज 15%, नेक्स्ट इज द एरिया दैट इज 15% अगेन, and 10% is forest and ecology, and 12.5% is demographic performance, and 2.5% for tax efforts. Okay. So most of the criteria are similar to the 14th finance commission, but there are changes in like forest and ecology has been the percentage has been increased, and there are some issues regarding the demographic performance criteria and the population criteria. So like the census data of 2011 has been used for the population criteria, which some of the southern states are actually against it, because they because there are certain changes in the demography of southern state compared to the northern states. The population of northern states like UP, Bihar, and Rajasthan has increased compared to the population of southern states. So there are certain disputes regarding this criteria as well. Okay. Okay. How much is the percentage division between the center and the state? How much 41 they will percent divide? They have 40? How? 41% they have quoted in the document, but they have reserved 1% for the Jammu and Kashmir, as it has been made UT by okay. the government by JNK reorganization at 2019. J&K and Ladakh, they have reserved 1% and yeah, yes, 41%. Yes. 42 था पहले, 42 को ही 41 plus 1 उन्होंने डिवाइड कर दिया है। ओके यहाँ पे एक टर्म आ रही है सॉरी इनकम डिस्टेंस, व्हाट इज इनकम डिस्टेंस एंड विच स्टेट हैज बीन यूज्ड एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर दैट इनकम डिस्टेंस। सर इनकम डिस्टेंस इज द वेटेड एवरेज दैट इज टेकन फ्रॉम द जीडीपी डाटा, and Haryana in case of finance commission has taken as a benchmark in order to calculate the income distance. Why did they take Haryana as a reference? Sir, because if they actually count the per capita as well as the GDP of per capita income in terms of measuring the weighted average. So if we see on that point of view, then Goa topped on this position, but still the Goa's economy is not as much sustainable as compared to Haryana, because Goa's
economy is dependent on the tourism itself, and however, Haryana's economy is well diversified as compared to Goa. That's why it has been taken as a benchmark. Even the size of the state is comparatively larger. तो वो भी हमें देखना था। Yes, sir. ठीक है, very good. एक और चीज इसमें, how much is the GDP of Haryana and how much is the per capita income of Haryana? Who will tell? Yes, Parikshit. The GDP was 6,90,000 crore. Per capita income is, sir, around more than national average. I'm not very sure. It's around 2,70,000 something per capita. I'm not very sure about it. Gaurav? Sir, I'm not very sure about the GDP figure because yesterday I checked the GDP from the latest documents. It was saying at 12,16,044 crore at current prices it was. So maybe selling at constant prices, if I'm not sure. But itna difference to nahi ho sakta, current or constant maybe. Okay, sir. Jo document maine Haryana ka share kiya tha, budget and economical survey. तो उसमें has anybody gone through that? Current gross state domestic product हरियाणा का है 12,00,000 crore, approximately you can say 12,00,000 crore. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. And we are having a growth rate of 11% if we compare to last year. ठीक है, 12,16,000 है लगभग, मतलब 12,16,044 crore. ठीक है, पर कैपिटा इनकम वन आंसर वाज कमिंग 3.5 लाख. तो एक बार लेट मी चेक, 3,24,759. ओके, 3,24,000. 3,25,000. ठीक, तो 12,00,000, काफी गैप हो गया था. ठीक है, तो कोई बात नहीं, फैक्ट्स अपडेटेड रखने हैं. ठीक है, जी सर, सॉरी सर. Okay. Recently, government has brought vehicle scrappage policy. Can you tell me three major points about it? What are the provisions of vehicle scrappage policy? Atul? Sir, vehicle scrapping policy was, it mainly entails the scrapping of very old vehicles. Like there is a criteria of 10-year-old vehicles, and for the four wheeler, and the 15-year criteria for the, as far as I can recall, 15-year criteria for the two wheeler vehicles. Okay. And it has been brought to reduce the to reduce the pollution and the low efficient engines that are being plying on the road, causing a lot of pollution on the in the air pollution. Okay, will they directly go to the scrappage center once they have completed the age, like 10 year or 15 year, or will there be any fitness test of the vehicle? Yes, sir. There will be a fitness test for the vehicle, and then they could go to the scrappage area. Okay, what are the benefits of this policy, Abhishek? The and benefits, actually, challenges. First benefits, then the challenges. So there are various benefits associated with it. For example, first of all, it will create an ecosystem of recycling economy, where the metals which will be extracted from the vehicles will be ultimately led to put as an input in the economy. And the second is it will create the employment generation in the different parts by creating the center of vehicle scrappage. As a third, sir, it will reduce the emission as the vehicle moves in the older time, and it will emit more emissions from the vehicle also, sir. And there are some challenges associated with it. First of all, sir, implementation is in the nation state. For example, it is voluntary in nature. For the vehicle of age of around 15 years, for the private,
Okay. Hello. Continue, Abhishek. And second thing is, sir, there is a issue of cooperative federalism, as the motor vehicle is under the concurrent list. So it is in order to get the success of this policy, there should be a vertical decentralization of the process. So these are the some issues associated with it. First, kya bataya tha aapne? What was the first one? Sir, challenges in the terms of. Okay, anybody else wants to add anything? Meghna? No, sir, I was just helping him out over the first point. What was the first point? Implementation issue, sir. Implementation issue. Okay. Kya implementation issue ho sakta hai? Matlab, what was that? So because it is a voluntary process. Ultimately, it is depends on the will of an individual in order to submit. No, it is not voluntary. For example, it is not sir, voluntary. Because sir, they have to. But yes, sir, you have to go. If a vehicle is fit after 16 years also, then I think this is not applicable on them. If they are not able to pass the NOC test, the vehicle, then only then the they are go, they will actually cancel their registration. Okay. तो इसमें main features यही है. Number one, आपका fitness test रहेगा, ठीक है? तो फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे, फिर स्क्रैपिंग सेंटर्स आप बना रहे हैं, जो भी फिटनेस टेस्ट फेल करेगा उसको तो डायरेक्टली भेज देंगे, अगर पास है तो उसके बाद इट इज अप टू यू. आपको कुछ रिबेट वगैरह भी मिल जाती है, मान लीजिए आप नया व्हीकल खरीदने जाएंगे और आपने अपना व्हीकल, तो व्हीकल स्क्रैपेज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को दिखा के यू कैन क्लेम सम कंसेशन, आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट कि ज्यादा से ज्यादा इसमें रहें. ग्रीन टैक्स की भी इसमें बात करी गई है कि आपको एडिशनल 10-25% एनुअल रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है? और पेनल्टी तो रहेगी अगर आप फेल कर जाएंगे. तो प्रोसेस है व्हीकल ओल्डर देन 20 ईयर्स. एक सेकेंड, इसमें 20, हमारे पास डीजल और पेट्रोल के लिए अलग अलग लिमिट्स हैं. उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट के लिए भी कैटेगोरिकली डिफरेंट रखा है. फॉर एग्जांपल पब्लिक विल गो डेफिनेटली आफ्टर 15 इयर्स पब्लिक व्हीकल्स एंड द प्राइवेट विल गो आफ्टर द 20 इयर्स. देयर विल बी नो वॉलंटरी. दिस इज फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स 20 इयर्स एंड 15 इज फॉर पब्लिक व्हीकल्स, दैट इज मैंडेटरी. ओके, वेरी गुड. तो स्क्रैप वैल्यू में जैसे लगभग 4-6% आपको एक्स शोरूम प्राइस का मिल जाता है, मतलब देयर आर सम कंसेशन, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दे आर एग्जेम्प्टेड. अगर आप सीएनजी एथेनॉल पे हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड, तो ये ध्यान रखेंगे. सिग्निफिकेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्क्रैप यार्ड बनेंगे, रिसाइकलिंग रेवेन्यू, ठीक है? और प्राइसेस जो नया लेने जाएंगे उसमें भी आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा. पॉल्यूशन, वन पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विल बी लेस, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीबडी नोज दैट देर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट हैज ऑल द मशीनरीज विच दे हैव करंटली, लाइक दे हैव द मिनिस्टर्स, दे हैव द ब्यूरोक्रेट्स, दे हैव द ऑफिसर्स एंड दे हैव द स्किल पावर, मैन पावर, एवरीथिंग टू सॉल्व द इशू. बट इन हरियाणा वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वट इज द मेन रीजन and how should we proceed further as a state? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीजें हम करते हैं, एक ये assumption मान के चलो कि what if they say it is already there, government know कि skilling करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, but even after 10 years what is happening with the unemployment rate? It is increasing day by day, year by year. So how can we solve this? Sir, in my opinion, sir, we can follow the hub and spoke model, where we can do create the centralization of industrialization process in the central part of our state.
which will actually help in providing the employment opportunities. As we have benefits like we have hinterland connectivity that will ensure the smooth transportation of the process. Okay. And sir, second thing is we can align our education system with the new education policy that is actually talking about the futuristic goals. And sir, third thing is we can introduce technology-oriented solutions in our education system. For example, augmented reality and virtual reality can be utilized in order to enhance the skill of the children, which will ultimately lead to the increase in the chances just of give me one second. In the future. Ek bar aap soch lijiye. I have to make a call. Just give me one. Okay. इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचेंगे ओके लेट अस स्टार्ट क्विक फास्ट वी हैव 3 मिनट्स फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा गौरव सर सम ऑफ द सर डिफरेंट और इनोवेटिव आइडियाज व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड आर फर्स्टली वी कैन सी across sectors, for example, in agriculture sector, certain type of food products and like horticulture crops like strawberries, okay, leave they are the being sectors. Grown. Everybody knows about it. One approach or one thing which you want to say that we need to change this thing so that most of the areas can be solved with that. Sir, talking on at a broader level, instead of going from top down approach, like a government giving the jobs, we have to create a bottom up approach, adopt a bottom approach in which people themselves, either through cooperatives or through utilizing their capabilities at the grassroots level, we can create jobs. For example, the best advantage of youth in Haryana is they are more inclined towards sports. So sports and nutrition can be a field which can be developed so that like there are gyms and akhadas in Haryana in rural areas. So they can be utilized so that rural youth can be given opportunities so that in their respective domains they can excel and that creates a source of income for them. Okay. So at the ground level, for example, farmers also, they can form cooperatives and in areas in which they have advantage, for example, mushroom farming and certain type of horticulture crops, they can market their products in such a way that it creates a unique identity for them so that it is more marketable and scalable. And anybody wants to reframe it or can, yes, Vikas? Sir, instead of going for the production for the masses, we have to adopt production by the masses. Right. This means we have to focus on the labor intensive industries. Also, this is one thing, yes. Anything else? We can also focus on, sir, food processing as there is a lot of scope in Haryana. I'm not asking about the fields. I'm asking about the approach. What approach we need to change? Somebody has answered in the comments. Okay. अगेन जो गौरव बात कर रहे थे ना फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच इन व्हाट सेंस एंटरप्रेन्योरशिप आई बिलीव हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द जॉब क्रिएटर्स जो जैसे एग्रीप्रेन्योर्स की प्राइम तो अब जैसे विल वेट वन मिनट लेट अदर पीपल कम एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में है जो भी जिस भी फील्ड में है इफ वी स्टार्ट टीचिंग people how to do business, how to start a business, even if it is a small scale business. Kyunki maan lo, ek to government aapko job provide kara rahi hai, ek private sector aapko job provide kara raha hai, and this trend has been visible in the government data as well, ki jo self-employed people hain, they are increasing day by day. Rather than aap privately kahin pe kaam kar rahe hai, casual worker ki tarah, ya phir waise contractual basis pe. But self-employment aapka badh raha hai, entrepreneurship, तो उसको अच्छे तरीके से अगर हम कर पाए तो डेफिनेटली
आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, अच्छे सर्विसेज कर पाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग का आप यूज कर सकते हो इन एनी सेक्टर। मान लीजिए टीचर्स हैं, हम अच्छे टीचर्स बाहर के देशों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी डिपेंडिंग। तो वहां पे स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, जो भी हम तीन चार वर्ड यूज करते हैं उस टाइप से किया जा सकता है। वी हैव टू फाइंड अवर ओन वेंचर्स रैदर देन वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि 30-35 साल चले जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में भी वी हैव टू रीथिंक कि बच्चों को ही कैसे, वोकेशनल पे भी हम बात कर रहे हैं तो उनकी अप्रोच भी हमें उस हिसाब से बनानी चाहिए कि रेदर देन एस्पायरिंग फॉर द जॉब्स दे शुड क्रिएट फर्स्ट जॉब फॉर देमसेल्फ, देन दे शुड ट्राई टू क्रिएट जॉब फॉर अदर्स एज वेल। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप स्किल्ड रहेंगे उतना ही आप कर पाएंगे। और एक मतलब मेन जो मुझे लगता है ना वो यही है कि चेंज इन द माइंडसेट, बिकॉज आई वॉज इन द गवर्नमेंट जॉब एज वेल। तो उससे पहले जैसे गवर्नमेंट में भी थे आप एक दो, तो खुद भी प्राइवेट में भी काम करना चाहते हो, बट वेन आई स्टार्टेड अकेडमी तो उससे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे बात करनी है, हाउ टू सेल आर प्रोडक्ट्स सर्विसेज। और हमारे खुद का एक माइंडसेट भी बहुत संकुचित होता है कि मतलब वी फील अशेम्ड इफ आई एम प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, वी फील अशेम्ड कि यार क्या कर रहे हैं। तो वो भी चीज हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो पाए और हाई स्केल पे हम जॉब्स फिर जनरेट कर पाएंगे। यस अतुल, सर मुझे भी सर यही लगता है, बहुत सारे जो चीज़ें आपने पॉइंट्स बताए तो उसके अंदर भी यही चीज़ है सर। जो मेन कोर इशू है वो मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात क्लियरली बोली गई थी कि वोकेशनल एजुकेशन या स्किल्स स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए। और सर इवन दी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं हमारे ITI और जो पॉलिटेक्निक जो हैं उनमें भी सर इनकम का स्कोप बहुत कम है। इंस्टेड दे शुड प्रमोट दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि मतलब आई हैव डन डिप्लोमा, मैंने देखा है ITI होल्डर्स को भी, दे आर मेनली यू नो ज़्यादातर वो बस जॉब ढूंढना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन थिंग। तो वो बहुत, और उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता इवन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, टॉप इंस्टीट्यूट दे डोंट प्रमोट कि तुम अपना कुछ करो, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। अ पर्सन दूसरी चीज विदाउट सर डिप्लोमा गवर्नमेंट और डिग्री इज अर्निंग मोर, द पॉइंट विच आई बिल्कुल वॉज सर सेइंग यू, द शेम इट इज देयर इफ यू हैव अ डिग्री, बिकॉज फॉर मी माई डिग्रीज आर यूजलेस, आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू माई ओन डिग्री। सेम वे मान लो कोई बाइक ठीक करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, जिसके पास डिग्री है वो जॉब ढूंढना चाहेगा किसी भी गैराज में, किसी कंपनी के साथ मिलके, वहां उसको 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मान लो मिलेंगे। बट अगर वो अपना एक छोटा सा शॉप करता है कहीं पे भी, डिपेंडिंग ही शुड फाइंड आउट अ लोकेशन, अ मार्केट, वहां पे करेगा, शुरू करेगा, बट वो शर्म रहती है। जिसने कोई डिग्री विग्री नहीं ली वो सीख गया, काम सीख गया, एंड ही इज डूइंग गुड जॉब, ही इज अर्निंग वेल ऑल्सो, पीपल आर अर्निंग रियली गुड अमाउंट यहाँ पे बिदादरी में भी। मतलब अगर आपके पास स्किल है तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो सिंपल वायरिंग की प्रॉब्लम आ गई, यू हैव टू सर्च फॉर एन इलेक्ट्रिशियन एंड यू डोंट फाइंड एनी, और बड़े बड़े शोरूम्स में भी नहीं मिलते, और आपको लोकल लेवल पे एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिलता है, ही विल चार्ज यू, मतलब अगेन वही कि उसकी एक्सपर्टीज होती है 10-15 मिनट का काम, एंड ही कैन इजिली अर्न 2 to 3,000 जस्ट टू फाइंड आउट विच वायर इज करप्ट और किसको चेंज करना है। तो बहुत ये चीज है जो मोटा मोटा हम कह सकते हैं, बाकी चीजें तो सबको पता है, सर, एग्रीकल्चर, ये भी एग्रोप्रोसेसिंग। चीज है सर कि डिग्निटी ऑफ वर्क जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक जेपर्डी में है। इंडिया में लोग मतलब छोटा कोई काम होता है या टेक्निकल काम होता है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। इंस्टेड दे हाँ वांट व्हाइट कॉलर जॉब जिसके अंदर सिटिंग जॉब हो, डेस्क जॉब हो, उसका ज्यादा एग्जैक्टली एक वो है सर। ये भी है गवर्नमेंट और जॉब का है। अभी सर भी माय मदर वुड बी मोर हैप्पी मी कमिंग इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज अगेन, शी इज नॉट यस हैप्पी सर कि प्राइवेट में कुछ चल रहा है, ठीक है, दे आर नॉट कंसर्न कि मतलब इसे क्या सीख रहे हो, क्या हो रहा है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में भी, बट दे आर ओके, चलो ठीक है, वैसे ही चलते रह जाता है यस सर और सर एक फिर बहुत दे। ही इशू, दो इशू और है सर। जैसे कि सर कोई भी आदमी अगर अपना सोचे भी कि मुझे कुछ काम करना है, देन देर इज एन इशू ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल हम बैंक के पास जाते हैं तो दे आर नॉट वेरी कीन टू गिव एनी पर्सन हु इज हैविंग सम डिग्री टू गिव देम लोन टू स्टार्ट सम बिजनेस, बिकॉज उनको लगता है कि ही हैज नो आइडिया, और जो भी आइडिया आ रहे कैसे कर लेगा, एंड दे आर नॉट कीन टू गिव लोन्स टू न्यू कमर्स।
तो ये देखने को, इसलिए तो स्टार्टअप को भी सर वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है. तो दैट इज अ रियली अ बिग लकुना अमंग द बैंकिंग सिस्टम कि वो नहीं देते हैं कैपिटल और क्रेडिट इजिली नहीं देते हैं, और सिर्फ दोनों बिग चीजें. बिग ओनर हाँ उनको ही ज्यादातर देते हैं सर. और सर एक और जो इशू है वो देखने को मिलता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन द बीटेक जो करवाते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. दे ओनली एग्जैक्टली फेक कि भाई हमें प्लेसमेंट करवानी है, और प्लेसमेंट पे फोकस्ड रहता है यूजुअली. आप देखेंगे कोई भी अपना सेलिंग और यूएसपी पॉइंट बताएगा कि हमारे यहाँ तो 10 प्लेसमेंट करा दिए एंड 100 प्लेसमेंट करा दिए, दिस काइंड ऑफ थिंग. तो ये बहुत बड़ी अप्रोच को चेंज करने एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है मोर, सर. इट इज मोर ऑफ लाइक अंदर से आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हो तब तो आ रही है, बट इंस्टीट्यूशनल लेवल बस पे आपको टीच नहीं कर रहे कि हाउ टू बी एन कोई एंटरप्रेन्योर. टीच नहीं. इवन वैसे सर हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के सीख लिए लो. ना, एंटरप्रेन्योरशिप के सर कोई इवन एमबीए कॉलेजेस डोंट इवन, वो भी पूरी हाँ तरह से इवन एमबीए प्लेसमेंट बेस कॉलेजेस, पे वहां चले पे गए भी ये हैं, मेजर इशू है. ठीक जबकि वो है, खुद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं एंड दे आर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, इवन बट वन ऑफ द उनके टॉप पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है एंटरप्रेन्योर्स. कि. हाँ 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 सर, वो कंप्लीट. बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं इस चीज को. मैं वो वो तो बोल रहा था इसलिए इवन. भी सर ये ठीक है इसलिए ठीक सर इंडिया में ये भी देखने को मिलता है कि मेजरली जो बिजनेस किया जाता है दैट इज रन इनटू फैमिलीज. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर फैमिली में बिजनेस चल रहा है तो बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं, दे डोंट गो इनटू एजुकेशन एंड ऑल, और वो सीधा बिजनेस में लग जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट चलिए का ठीक है. प्रॉब्लम है. हाँ चलो अब इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म, कल जो हमने डिस्कस किया था ना, रूरल टूरिज्म, फार्म टूरिज्म, दे कैन बी अदर एवेन्यूज ऑल्सो. एरियाज बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेन शिफ्ट इज नीडेड टू बी ऑफ माइंडसेट अकॉर्डिंग टू मी. बाकी आप देख सकते. यस सर, हाँ यस अभिषेक. सर. सर वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज सर, वी कुड कम विद द कंसेप्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स इन द वेरियस कॉलेजेस इन हरियाणा ओनली, वेयर इंक्यूबेशन दे सेंटर विल फोकसिंग ऑन द. गेट द एक्सेस ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टार्टअप सर. एनी स्टार्टअप दे विल प्रोवाइड देयर एक्सपर्टाइज एज वेल एज द क्रेडिट फैसिलिटी टू देम, एंड दिस थिंग्स शुड बी लिंक्ड विद द क्रेडिट सिस्टम इन देयर एकेडमिक ऑल्सो. मीन्स यस, एवरी अंडरस्टैंड. स्टूडेंट इन द कॉलेज शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर दिस, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प इसको इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. यस, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी या फिर अप्रोच. जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के जो बेसिक अप्रोचेस हैं वो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि बेटा रिस्क लेना जी सर, इट्स नॉट बिल्कुल. बैड, मैं फेलिंग इज नॉट बैड, ताकि आप बार बार ट्राई करो, नई चीजें बिल्ड करो. बिल्ड करेंगे तभी तो आप एक नया बना पाओगे और फिर बिजनेस ग्रो करेगा, और तभी आप अपना प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा, यूनिक होगा, तो यू कैन सेल इट ऑल्सो टू द लोकल कंज्यूमर, टू द कंज्यूमर अभी सर आउटसाइड ऑल्सो. एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट वी शुड आई थिंक हमें स्कूल लेवल पे ही लाना पड़ेगा. यस दैट यस विल हेल्प इन इम्बाइबिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंटरप्रेन्योरशिप. वॉज थिंकिंग अबाउट इट. आई वॉन्टेड टू इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एथिकल एजुकेशन, स्पेशली जीएस पेपर 4 विच वी स्टडी इन यूपीएससी. यस सर. स्कूल लेवल पे अगर हम केस स्टडीज, एथिकल डायलेमास, अप्रोचेस अगर लेके आए यस शुरू सर. से ही बच्चों को ना, कि व्हाट इज मींस, व्हाट आर एंड्स, व्हाई शुड वी फोकस मोर ऑन मींस, ठीक है, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या रहती है. चलो इसमें अभी हम थोड़ा सा जैसे मॉक इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन. हो सकता है कि कुछ लोगों ने मॉक में वो क्वेश्चन लिया हो. एवरीबडी प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है. और प्रदीप सर ने वो क्वेश्चन लिया था मॉक में, तो उसके बाद वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप आंसर क्या चूज करेंगे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज द रीजन यू विल बी गिविंग फॉर दैट पर्टिकुलर चॉइस ऑफ योर्स. क्वेश्चन इज, इन इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो हमारा है, वी नो देर आर टू टावरिंग फिगर्स, वन इज भगत सिंह, सेकेंड इज महात्मा गांधी. तो आप क्रोनोलॉजी में ही हैं, ठीक है. तो उसमें मान लेते हैं कि भाई जिस दिन वो मरे उस दिन उनकी डेथ हो गई, बट इफ यू हैव मतलब अ सुपर पावर और से समथिंग कि आप किसी की भी एक की डेथ को रोक सकते हो, आइदर ऑफ भगत सिंह और ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, एक को जिंदा रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. तो उसमें आप क्या चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे, जस्ट थिंक, कम अप विद अ गुड रीजन. आंसर कैन बी एनीथिंग, ठीक है. और जिन्होंने दिया है वो ठीक है, उन्होंने मतलब मे बी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है तो वो रहने देंगे, महात्मा गांधी. तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा? अभिषेक आपने तो दे लिया था शायद, है ना. सर मैंने तो दे दिया सर आंसर. जी मुझे लग रहा है तुम्हारे से ही शुरुआत हुई थी उस क्वेश्चन सर. की ना.
हृदय ने भी दिया था क्या? ठीक है, तो हु वुड लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट? एवरीबडी हैज टू आंसर। फर्स्ट कौन स्टार्ट करना चाहेगा? यस हृदय स्टार्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही हृदय, मे बी माइक्रोफोन एक बार देखो, ऑन तो है बट आवाज नहीं आ रही। तो एक बार ना लीव करके दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो, आवाज नहीं आ रही। कौन? तब तक आप करो नेक्स्ट। अतुल, अरे सोचते ही रहोगे क्या? आंसर, यू हैव टू आंसर इन इंटरव्यू, दे विल गिव यू ओनली 5 सेकंड्स। क्या वो मुझे मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है क्या? अतुल की भी आवाज नहीं आ रही, या अतुल बोल नहीं रहे, अटक गए हैं। गौरव, सर फर्स्टली इट इज अच्छा वेरी ये डिफिकल्ट आवाज चॉइस, तो आई, ठीक है। हाँ गौरव, सर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू चूज बिटवीन एनी वन ऑफ देम, बिकॉज बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू आर नेशन। सो इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इफ आई हैव टू चूज वेदर वन लिव्स टिल नाउ और नॉट, सो आई वुड चूज महात्मा गांधी टू बी अलाइव टिल नाउ, बिकॉज ही इज फादर फिगर फॉर आर नेशन। हिज गाइडेंस इज नीडेड इवन टूडे, हिज टीचिंग्स आर स्टिल रिलेवेंट टूडे, बिकॉज आर नेशन फेसेस सो मेनी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम लाइक कम्युनलिज्म, सेपरेटिज्म एंड रीजनलिज्म। ऑल दीज इशूज कैन बी टैकल्ड बाय समवन विद द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, एज ही प्रीच्ड टॉलरेंस, पीस, जस्टिस, इंक्लूसिव सोसाइटीज। सो दीज आर ऑल नीडेड टूडे। सो इन ओके केस okay. ही इज अलाइव टूडे, सो ही विल बी अ मेंटर एंड अ कोच फॉर आर नेशन एंड विल डेफिनेटली हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। एंड एज फार एज ओके भगत सिंह सर इज कंसर्न, सो हिज डेथ वॉज एक्चुअली, इवन दो इट इट वॉज इट कैन नॉट बी लाइक ट्रीटेड लाइक अ वेरी गुड थिंग, बट नहीं नहीं इतना हिज बड़ा डेथ मत करो, एक्चुअली पहले तो एक इंस्पायर्ड। तो इसको प्रिसाइज रखो, इतना बड़ा क्यों लेके जा। एक चूज करो और उसको मतलब रीजन दिया, खत्म। अपने आप को बैलेंस आउट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यस मेघना, सर पहले तो वही है कि हाँ डिफिकल्ट दोनों डिफिकल्ट ही में नहीं हमारे जाना, एक चूज करना है जल्दी से, मतलब गिव मी द आंसर प्रॉपरली कि सर नाम बोलो और कारण बताओ, दैट्स इट। आई ऑल्सो गो विद महात्मा गांधी, क्योंकि उनमें एक विवेक था, दूरदृष्टि थी और बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच थी सर, सोसाइटी के हर पार्ट को लेके साथ में चलना, तो उसकी जरूरत सर आज भी हमें है, इसलिए आई ओके एम ठीक गो विद महात्मा गांधी। है, परीक्षित। सर आई वुड लाइक टू, इफ आई वुड हैव टू चूज, आई वुड चूज महात्मा गांधी टू बी अलाइव टुडे सर, बिकॉज़ हिज विजन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड टुडे एंड वी नीड दिस हेल्प टू कंक्रीटाइज आवर विजन। द आइडिया ऑफ इंडिया व्हिच इंक्लूड्स ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बी इट द कैपिटलिस्ट, बी इट द पुअर, द बैलेंस दैट ही हैड, द विजन, द विजन ऑफ बैलेंस दैट ही हैड, वी आर फॉलोइंग इट टुडे, ओके बट वी आर नॉट एबल टू डू इट टुडे। सो हैड वी बीन देयर, वी वुड हैव बीन बेटर। ओके रवीना, सर आई वुड चूज महात्मा गांधी इन टूडेज सर्कमस्टांसेस। महात्मा गांधी कुड एक्ट एज अ बीकन ऑफ लाइट एंड एथिक्स। वी हैव सीन इंक्रीज पोलराइजेशन इन इन इंडियन सोसाइटी, एंड आई थिंक इफ ही वॉज ऑन सोशल मीडिया, ही वुड एक्ट एज अ बाइंडिंग एंड यूनाइटिंग फोर्स। ही वॉज ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट विच वी रियली नीड टूडे, एंड ही कुड क्रिएट ग्राउंड लेवल एंटरप्रेन्योर्स because he was a mass leader and he had a ओके huge लेट मी influence. मेक वन थिंग क्लियर, इफ द आर्गुमेंट इज ऑन वैल्यूज एंड विजन देन आप मतलब ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और आर्गुमेंट किसी के पास है तो लेके आओ। सर आई वांट टू ऐड यस प्रीति, हु इज देयर? भारती भारती, हाँ सर,
मतलब वैल्यूज को अगर हम हटा के देखें तो इफ आई वुड हैव सीन इट वाज इम्पॉसिबल, लाइक इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेव अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट ऑफ दैट टाइम. वी कुड नॉट हैव सेव भगत सिंह. And if we would have been providing security, we have provided security to Mahatma Gandhi ji at that time, we would have saved him today. वो सिक्योरिटी इशू की वजह से थोड़ा सा उनको हुआ. अगर हम उस टाइम टाइट सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते, we would have saved him today. ठीक है, सर क्वेश्चन क्या था आज आज के टाइम पे? ये सर प्लीज सर, क्वेश्चन ये था कि आपको एक को सेव करना है इंडियन इंडिया की हिस्ट्री में, एक डेथ बचानी है आपको, आप किसकी बचाना चाहेंगे और क्यों बचाना चाहेंगे? ओके सर, हिस्ट्री में ना कि आज की रिलेवेंस के हिसाब नहीं, से? नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से. यस मोनिका. सर मैं भगत सिंह को चूज करना चाहूंगी, बिकॉज सर महात्मा गांधी की बहुत सारी टीचिंग्स हमारे पास है. ही हैड इनफ टाइम टू टीच अस, वो टीचिंग अब भी हमें गाइड कर रही है. बट आज के टाइम पे अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है या यूथ में क्या एनर्जी होनी चाहिए, यूथ कितना मिसगाइडेड है, उस डायरेक्शन में हम भगत सिंह आइडियल हो सकते थे कि इतनी छोटी एज में भी आप कितना सोच सकते हो अपने नेशन के बारे में. ओके, वेरी गुड आंसर. एनीबडी एल्स? और कौन आना चाहेगा? ब्रिंग ब्रिंग इन सम आर्गुमेंट्स, ब्रिंग इन सम योर थॉट्स. हृदय. मेरे सर, आई वुड आल्सो वांट टू से महात्मा गांधी फॉर टू रीजंस. वन इज द काइंड ऑफ sustainability model that he presented. It could have saved us from the unemployment gap that we have currently. The cottage industry model could have flourished, which would help us in reaping the benefits of a labor intensive market as he held. Second of all, his idea of communal harmony could have also helped in stopping polarization of society that we face today. So these two things along with his constructive program could have helped India in becoming a much more stronger united force. Okay, Vikas. Very good. Vikas. Sir, I will choose Mahatma Gandhi because, sir, he has touched all the issues of the society. He gave the concept of trusteeship, seven sins, Sarvodaya, bread labor concept. These are the major issues of today's times. So he will be more relevant in today's time. Okay, Atul. Yes, sir. Sawal ka answer. Sir, I would go with Mahatma Gandhi because of his thoughts, ideas, and harmonious integration of various sections of society. Especially he worked for the Harijans, so I think it was a great thing, and many things he could also teach to the world. So I would go with Mahatma Gandhi. Okay, ठीक है. तो most of the people are going with Mahatma Gandhi. Only Monica said ki Bhagat Singh. देखो मैं कल के interviews के arguments बताता हूँ. Very interesting argument. पहला आर्गुमेंट महात्मा गांधी को ही उन्होंने सेव किया. पहला आर्गुमेंट तो ये था कि सर मैं भगत सिंह को सेव कर लूंगा, तो भगत सिंह का जो सेक्रीफाइस था वो यही था कि मैं मर के ही, मतलब मैं चाहता ही हूँ मेरा सेक्रीफाइस लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने कि मैंने अपने देश के लिए जान दी, एंड ही डिड नॉट वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ. तो अगर मैं उनको बचा लूंगा तो फिर मेरा वो खत्म हो जाएगा, भगत सिंह का जो सेक्रीफाइस है वो कम हो जाएगा. तो आई डोंट वॉन्ट टू सेव भगत सिंह, आई वॉन्ट टू सेव महात्मा गांधी. और सेकंड आर्गुमेंट महात्मा गांधी का ये भी आया कि अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, जो भारती बताना चाह रही थी ना, काइंड ऑफ कि भगत सिंह की जो डेथ थी वो एसोसिएट हम कर सकते हैं उस टाइम के रूल ऑफ लॉ से, कि वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर था, सही था गलत था दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट गांधी जी की जो डेथ हुई दैट वॉज काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो वो क्रिमिनल था. तो हम एक क्रिमिनल चीज को बचाएं, इलीगल चीज को बचाएं रेदर देन दूसरी चीज को. तो इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है. अब अगर आप विजन में जाते हैं तो विजन में थोड़ा सा, मतलब इट लुक्स लाइक यू आर कंपेयरिंग टू लीडर्स जो ऑलमोस्ट सेम विजन के ही थे. तो
कि नहीं जी हम इस वजह से बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी रेलेवेंस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है. सो व्हाट डू यू वांट टू ट्रे से एग्जैक्टली, क्या भगत सिंह के नहीं रहेगी, क्या उनके वैल्यूज की आज के टाइम पे नहीं रहेगी? तो डू नॉट कंपेयर ऑन वैल्यूज, वो सही नहीं लगेगा. बट अगर मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप अभी आर्गुमेंट का नेचर समझ में आ रहा है कि अगर हम इस तरीके से कहें उन्हीं की वैल्यूज से ही उन्हीं को ना बचाना और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बेसिस पे बचाना महात्मा गांधी को. और एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट आया था कि हमें पता है कि कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो इस तरीके से प्रोसीड हुआ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 को. बट वी नेवर नो, अगर हम भगत सिंह को बचा लेते हाउ थिंग्स वुड हैव प्रोसीडेड, व्हाट वुड हैव हैपेंड. आप एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज कर देते और हो सकता है कि हमें इंडिपेंडेंस इतनी जल्दी ना मिलती. मतलब एक ये आर्गुमेंट भी आया कि तो मैं कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज ना करके उसी के हिसाब से इंडिपेंडेंस को तभी एंश्योर करते हुए इंडिपेंडेंस को चेंज नहीं करना चाहते, तो हम महात्मा गांधी को बचाना चाहते हैं जो कि एक इवेंट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद. तो आपने इंडिपेंडेंस को सेव करने के लिए एक आर्गुमेंट दिया. तो दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स, तो मुझे काफी अच्छा लगा. एंड दैट वाज द रीजन कि मैंने सोचा कि एक बार ये क्वेश्चन पूछते हैं. अच्छा क्वेश्चन था ना? यस सर, सर कैसे जज यस सर. करेंगे, बट सर आपने काफी अच्छी चीज बताई, सोच नहीं पा रहे थे। हाँ ये दोनों तीनों मैथमेटिकल वे में, हम एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनसे डिस्कस कर रहे थे एंड ही डिफेंडेड हिमसेल्फ क्वाइट करेक्टली. और बहुत कम लोग उस तरीके से कर पाते हैं कि पूरे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट के बाद भी अपने स्टैंड पे खड़े रहना. पहला आर्गुमेंट तो यही आया वैल्यूज का, ये वो, फिर उसमें काउंटर आर्गुमेंट भी काफी हुए कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो इसको उनको कैसे कंपेरिजन करेंगे. फिर उन्होंने और आर्गुमेंट ला के लास्ट में इस तरीके से कहा. ठीक है चलो, एक तो ये हो गया. हम अभी एक दो और देख लेते हैं. सिचुएशन बेस्ड, कुछ लोग सिचुएशन बेस्ड और उन क्वेश्चंस को ज्यादा बेटर हैंडल कर पाते हैं. ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ जो आती है ना उसके हिसाब से भी चीजों को समझना कि मैं किन चीजों पे ज्यादा फोकस करूं. ठीक है, पोस्ट कोरोना स्मार्ट सिटी. ओके, इफ आई हैव टू आस्क यू, इन द लास्ट 10 ईयर्स वन स्कीम, वन, आई एम आस्किंग फाइव इन मॉक्स, बट वन स्कीम, बट विद द आर्गुमेंट की जिसने आपको जो लगता है सही में, नॉट फॉर द सेक ऑफ द आंसर ऑफ, मतलब दैट यू विल बी गिविंग इन द इंटरव्यू, विच यू थिंक बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स कि दिस स्कीम आई बिलीव सर हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड गिव मी थ्री रीजन फॉर दैट. वन स्कीम, जस्ट ओनली वन स्कीम, विच इज इन द लास्ट 10 ईयर्स रिसेंट बाय द गवर्नमेंट. कौन स्टार्ट करना चाहेगा? यस सर. अभिषेक, एज ऑलवेज, वेरी गुड. सर आई थिंक स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज डन हैज डन रियली वेल इन द पास्ट 10 इयर्स सर, बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन आवर कंट्री. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग सम मेजर स्टार्टअप सिटीज इन आवर कंट्री, फॉर एग्जांपल गुड़गांव, बेंगलुरु, बॉम्बे और दिल्ली, वेयर वेरियस स्टार्टअप हब्स आर बेस्ड ऑन. एंड सर थर्ड थिंग, इट्स हेल्प्ड इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री. What So is what I Startup think these India? three things actually help the Startup India schemes, where government is providing various financial help to the startup. They are actually giving subsidies as well as tax exemption in their process, as well as giving them other helps. For example, they are providing them incubation also. So I think Okay. this thing has really helped India. ठीक है, परीक्षित. Sir, I believe the Swachh Bharat mission has really done well, and it has impacted India at various levels, from individual to society to the national level. It has really changed the picture of India. From individual level, sir, it has enhanced the dignity of women. They are being able to have more security and safety, and as well as personal hygiene has been ensured. Before this Swachh Bharat mission, sir, the penetration of toilet was less than 60%. But we have crossed that 100% mark by quite a margin, and we have further moved in the open beyond open defecation free status, and we have moved to open defecation free plus, where we are also managing the solid waste, doing solid waste management and generating renewable energy from solid.
societal level, sir, it has enhanced the nutritional level of the society, because with less issues of hygiene, sanitation, the nutrition is getting absorbed more. So it has enhanced the nutritional status. And at national level, sir, it has enhanced the image of India as a tourist destination. Earlier, the foreigners used to think India is a stinking place where heaps of garbage used to lie around. Now we have the image of the cleanest cities like Indore, Surat, Chandigarh. These are the like trademarks of India, hallmarks of India's cleanliness and hygiene, which has enhanced the tourist destination ranking also, sir. Very good, Parikshit. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा इसको ना ब्रीफ रखना परीक्षित, ठीक है? मतलब 1, 2, 3 रीजंस बता के कंक्लूड कर देना, ज्यादा इम्पैक्ट्स नहीं बताने, बहुत लंबा खिंच जाता है आंसर, ठीक है? पर आपने कोई भी स्कीम बोला था या फिर किसी स्टार्टअप से रिलेटेड स्कीम बोला था? एनी स्कीम, एनी स्कीम, एनी. अतुल सर, इन माय ओपिनियन प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन वेरी सक्सेसफुल. And there are three major reasons. First is it has boosted the financial inclusion at the grassroots level in the rural areas. Second, sir, it has increased the financial literacy among the masses, which was very much deficient in the past. And third is, sir, it has boosted the economic income earning opportunities. Because through financial inclusion, they are able to create their own business and also the direct benefit transfer, DBT, Jandhan Aadhaar Mobile, Jam Trinity was also being able to implement, and UPI and Rupee has also supplemented the whole ecosystem, sir. Okay, Atul. Yes, Gaurav. Sir, I believe Ayushman Bharat scheme is one which has created an impact on the ground level. So basically, because first it reduced the out-of-pocket expenditure of the poor people. Second, it provided insurance to the most vulnerable section, like the elderly in the villages and the other rural areas. Thirdly, it gave access to better health facilities. Not just the primary or the ground level basic facilities, but also the high level tertiary surgeries and all those procedures which are very costly for the poor. So insurance of around 5 lakh rupees per family is very helpful for them. And one more component, which is it does not have any limit on the number of family members. So it is a household level scheme which benefits all the poor section, poor and the most vulnerable section of the population. Okay, anyone else who wants to answer? Uske baad fir ek last question lenge, jaldi jaldi. Sir, yes Meghna, last. Sir, I'll go with the infrastructure development schemes, because sir, they'll link rest of the sectors. Second, they'll provide employment to the masses, which is the dire need of nation. Third, sir, they will reduce the turnaround time. Like whether you want to reach the hospital or the education center, or you want to bring any startup in the scenario, then you need to reduce the transportation time. It will also attract FDI also, sir. So in this term, I'll go with this. Take care. Good. Sabka answer acha. बाद में लेंगे रवीना, अभी अगला सवाल लेते हैं, उसका आंसर करना. देखो जैसे आपको पता है कि चरकी दादरी में एक एयरपोर्ट एयरप्लेन एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, हैड्रन कोलिजन. लेट अस सपोज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, अभी उसको हम थोड़ा सा रोक लेते हैं, काफी हो गया होगा ना. सो मान लीजिए आप पोस्टेड हैं एज एन एसडीएम, क्योंकि हम एसडीएम तक ही लेके चलते हैं, एसडीएम पोस्टेड है और आपको पता चला है, यू गॉट द इंफॉर्मेशन कि देयर हैज बीन अ प्लेन एक्सीडेंट, हेड ऑन कोलिजन. सो फ्रॉम द मोमेंट यू गॉट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाउ विल यू प्रोसीड, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, जस्ट वॉक मी थ्रू दैट. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एज अ डीएम और एसडीएम? एसडीएम, एसडीएम, एसडीएम. ओके. Yes. Sir, is it about the plane collision among the two planes, or it is just an accident? No, it's a collision, head-on collision.
accident has happened. You are understanding. Accident has happened. Now you have to manage the situation, the crisis. और प्लेन एक्सीडेंट है जो दादरी में हुआ था, वन ऑफ द डेडलीस्ट माना जाता है वर्ल्ड का, थर्ड डेडलीस्ट। यस हृदय, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एट व्हेन सच अ ट्रैजिक एक्सीडेंट हैपेंस वी नीड टू इंश्योर दैट रिलीफ एंड रिस्पांस इज एडिक्वेट, एंड माय फर्स्ट स्टेप वुड बी टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एम्बुलेंसेस, इंश्योर दैट फायर एक्सटिंग्विशर एम्बुलेंसेस रीच ऑन टाइम। सेकंड ऑफ ऑल आफ्टर going through the relief and response system, we'll try to save as many lives if at all possible. And thirdly, sir, then our response would be to find the black box and identify what all information and communication problems were there, so that we can improve in future, such accidents are, you know, prevented from. Okay, very good. Gaurav? Yes, sir. I have also, my answer is also on the similar lines. Firstly, I will do a situational assessment on the ground level with a team, that what are the possible what can be the possible steps that can be taken for relief and rehabilitation. So immediately services like ambulance and medical aid should be provided to the people, and chances of rescuing the survivors should be enhanced, so that more number of lives can be saved. Next will be in the region, in the nearby areas, traffic management should be adhered to, so that all the emergency services reach the spot on time. And third would be public management, so that the family of the kith and the kith and kins of the survivors can be managed in a compassionate manner, and the help of the local people and the local youth can be taken, so that the chances of survival can be increased. Okay, very good. This question was asked to me in my first interview, UPSC first interview. Same question. Yes, Meghana. I'll go on the similar lines. Similar lines. Anybody wants to add anything extra in your course of action? Ravina? Sir, identification of passenger can be done also. Identification. Yes, sir. Okay. Yes, Abhishek. Sir, one point I want to add is I will immediately constitute a team that comprises of medical professionals as well as the fire safety officials and some police officials, and immediately go to the appropriate site. And the second thing, I will immediately inform this situation to the Ministry of Civil Aviation, to the central government. This step will I will take whenever this situation happen. Okay, वहाँ मतलब वहाँ से तो information मतलब चलो वो तो दोनों चीजें हो सकती हैं, हो सकता है local information आई हो, ठीक है, anything else? Parikshit? Sir, I want to add one thing. हाँ बताओ. Sir, there could be a possibility that if the collision has been on the local area where the habitation is there, or it is in some isolated area. So there could be two different situations. In the isolated area, we can just go with the emergency services and provide rescue and relief, and immediately bring them to the hospitals and provide food, water, and necessary requirements. And we can, however, in the case of if there is a habitation area, then definitely there would be other kind of losses which we can have assessment with and work for those local people as well. So these two will have some different course of action. Different approaches. Okay. Very good, Atul. Ravina? Sir, majorly on this on the similar lines, but relief and rehabilitation. First, by the team constituted by me, including medical officers, and impaneling all the services of the hospital which are nearby, evacuation of the nearby areas, and with medical aid providing drinking water and food to passengers as well. These are the lines. And post that, after the hospital services have been impaneled and the passengers are in good condition,
then slowly the identification of anyone who is dead and contacting their family members, then contacting the family members of all the patients who are in the hospital. And after this has in, this has been ensured, then ensuring maybe forming a committee or वो शायद मेरे अंदर jurisdiction में नहीं होगा to find out what went wrong with the aeroplane. So, okay, okay. But I would ensure evacuation areas. ठीक है गौरव. So just a couple of points can be added, like emergency helpline numbers should be promoted so that telecasted on the television so that people can talk to and get information regarding the incident. And next would be sir, emergency blood banks and via ambulances can be created on the spot so that if there is any need, triage ethics, triage can be done so that people who are in need of help can be can be sent to the hospital. ठीक है शिखा भी identification of the dead body handling over. ठीक है so basically ये काफी एक मतलब बहुत ही deep crisis की situation है, तो आपको हर तरीके से primarily जैसे ही मुझे information मिली तो आप ये समझ लो कि maximum से maximum damage हो सकता है, तो prepare for that. यही मान के चलो कि habitation पे ही गिरा होगा, मान के आपको पता लगाना है वो एक अलग चीज है, तो उसी हिसाब से मतलब कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे हुआ है और डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे गिरा है उस हिसाब से अब आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा. एक तो हेल्थ टीम, यू कैन कॉन्स्टिट्यूट टीम, वो एक प्राइमरी हो सकता है, उनको डेलीगेट कर दिया जाए कि भाई जो CMO है उनके हिसाब से सारा का सारा काम वो देखेंगे, जो भी रिलेटेड टू द पेशेंट हैंडलिंग रहेगा वो CMO देख लेंगे, या DSP है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आपको देखनी पड़ेगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो वाला पॉइंट आया था वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या देखा गया था पहले भी कि मान लीजिए प्लेन में जो पैसेंजर हैं, इवन एक्सीडेंट के बाद लोग उनके जो भी पैसे वैसे थे या फिर ज्वेलरी थी, ठीक है, उनको लेके जा रहे हैं, कुछ भी हाथ कटा हुआ है हाथ को ही उठा ले गए, मतलब जो चीज मिली अगर नहीं निकाल पा रहे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफी बड़ी हो सकती है, तो आपको पुलिस फोर्स के साथ भी तैयार रहना पड़ेगा. एमरजेंसी में जैसे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी रहता है ना, तो उनको भी आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, फिर हो सकता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उतने रिसोर्सेज ना हो, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट आल्सो कि भाई वहां से भी हम पुलिस मंगानी है या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुलाना है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या फिर आपको जो क्योंकि स्पेशली फायर वाले में भी कमी हो सकती है, तो एक बार बात करना, कोऑर्डिनेट करना बाकी सब लोगों के साथ, वो भी रहेगा. ठीक है, फिर जैसे ही उस सिचुएशन में सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जो कैजुअलिटीज है उनके हिसाब से अगर डेड बॉडीज हैं तो उनको भी हैंडलिंग, और जैसे और जो लोग आएंगे तो क्योंकि पैनिक सिचुएशन होती है, पता चला कि भाई ये प्लेन था, तो उनके रिलेटिव दे विल स्टार्ट मूविंग टू योर सिटी, जाना है देखना है. ठीक है, हॉस्पिटल में भी आएंगे वैसे भी आएंगे, तो उनके लिए भी यू हैव टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन कि भाई कहाँ पे आए, कहाँ रहे, डायरेक्टली वहां ना जाए, कोई एक एरिया आप बना सकते हो उनके लिए कि ताकि सब लोग वहां पे आ जाए, उनको ब्रीफ किया जा सके. आपको मीडिया ब्रीफिंग्स भी करनी पड़ेंगी सिचुएशन के हिसाब से कैसे हैंडलिंग चल रही है, ताकि आसपास भी अननेसेसरली पैनिक क्रिएट ना हो. ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको हैंडल कर सकते हैं एक कोहरेंस के साथ. तो एक टीम वर्क मतलब आपका हर चीज दिखाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और डिपेंडिंग अपॉन कोलैबोरेशन विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल. आपने अपना भी यूज किया, दूसरा भी यूज किया. ठीक है सर, इसमें हम सीनियर्स की भी हेल्प ले सकते हैं जो इस तरह के चीजों को पहले हैंडल कर. हाँ बिल्कुल, सीनियर्स, सीनियर से बात कर सकते हैं, NDMA, SDMA, डिपेंडिंग अपॉन इफ सिचुएशन.